नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। आज सुबह से ही बात अगर हम करें तो राजद सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव के ऊपर जिस तरह से रेल मंत्री होने के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगे, इसको लेकर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस बीच अब तेज प्रताप यादव की एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें तेज प्रताप यादव मसाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ सुबह से ही छापेमारी की जा रही है, पटना से लेकर दिल्ली तक सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ की गई। लेकिन इस बीच अब ये जानकारी सामने आई है और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी देखने को मिली है जहां पे तेज प्रताप यादव मसाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। कि पटना की अगर हम बात करें तो सुबह करीब 6 बजे सीबीआई की टीम रावरी आवास पहुंची। 10 सर्कुलर आवास पर ये छापेमारी सीबीआई की तरफ से की गई। साथ ही साथ जितने भी अंदर के गार्ड थे उन सभी को बाहर कर दिया गया। तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी के मोबाइल फोन भी सीज कर लिए गए, जिसके बाद ये छापेमारी की जा रही थी। 17 ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर एक के बाद एक छापेमारी सीबीआई की तरफ से की गई। गोपालगंज की अगर हम बात करें तो वहाँ भी, जहाँ लालू यादव का ससुराल है, राबड़ी देवी का घर है, वहां पर भी सीबीआई की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नौकरी देने के दौरान की जो कागजात है वो बरामद हुए हैं। तो कई ऐसे दस्तावेज भी सीबीआई के हाथ लगे हैं और जो कार्रवाई है, जो छापेमारी है, वो सीबीआई की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव की बात करें तो अपने एक अलग अंदाज को लेकर हमेशा से ही तेज प्रताप यादव जाने जाते हैं। कभी वो दोस्तों के साथ, तो कभी वो साइकिल चलाते हुए, तो कभी आइसक्रीम खाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बीच जहां एक तरफ पूरा परिवार टेंशन में है, तेजस्वी यादव की बात करें तो वो इस वक्त लंदन में है, लेकिन दिल्ली में लालू प्रसाद यादव, मिश्रा भारती और पटना की बात करें तो राबड़ी देवी, तमाम परिवार के जितने भी लोग हैं वो इस वक्त परेशान चल रहे हैं। लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव का मसाज करवाने का जो वीडियो है वो सामने आया है, जिसे लेकर हम आप तक हाजिर हुए हैं। तो अभी की बड़ी खबर, तेज प्रताप बाहर निकले हैं और उन्होंने कहा है